व्यक्ति का सर लोग चाहे तो जॉब का डिटेल भी डाल सकते हैं उनके बुलाने के पहले कि हमें ये काम आपसे करवाना है। उसके अभी वो टाइम भी डाल सकते हैं सर, अभी शेड्यूल नौ भी कर सकते हैं, अभी बुला सकते हैं, या हम चाहते हैं कि हम ये सेवा कल चाहते हैं परसों चाहते हैं तो वो शेड्यूल लेटर भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर एड्रेस जो है हम एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं सर, घर पे ही बुला सकते हैं, ऑफिस पे ही बुला सकते हैं, वहाँ हमारा गाड़ी ख़राब कहीं और हो गया तो उस लोकेशन पे भी हम लोग उनको बुला सकते हैं। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए हो आप लोग? जी सर। क्या चीज़ में? इलेक्ट्रिशियन नहीं, एक अभी हम लोग का स्कीम चल रहा है। श्रम शक्ति करा भैया, सीधे रजिस्टर कराओगे ना, कोई घटना हो जाएगा 2 लाख मिलेगा, बच्चा को पढ़ाओगे तो 250 से लेकर 8000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलेगा। इसको भी छोड़ दो, इसको भी हम रजिस्टर करेंगे, इसको उसमें भी करते हैं। हाँ, निःशुल्क करना उसमें। उसी तरह इलेक्ट्रिशियन, उसी तरह कार का ड्राइवर, ये जो बाजार में सब्जी बेचारा गरीब लोग उसको रजिस्ट्रेशन करा भैया, गरीब को भी फायदा होगा। फल है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, कुछ घटना हुआ 2 लाख रुपए सीधे मिल जाएगा, सीधे अकाउंट में चले जाएगा। बच्चा को पढ़ाते होगे तो 250 से 8000 रुपये छात्रवृत्ति मिल जाएगा। महिला का भी है, महिला के भी है, 8000 से 10000 मिलता है। इसमें ना सॉफ्टवेयर में ही ये कर दो रजिस्ट्रेशन कराने का, जैसे आप उसके ऑनलाइन कर रहे हैं ना, उसका रजिस्टर्ड होते जा, जैसे जैसे इसमें आएगा वैसे वैसे सारा रजिस्टर्ड भी रिक्वेस्ट चला जाएगा। और SMS सबको कर ही सकते हैं, सबको टाइम टू टाइम SMS मिलता है। या फिर आप बोल दो अपने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर करा लो आप रजिस्ट्रेशन, देख सकते हैं। जॉब रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, कंपलसरी कर दो, जितना मजदूर है बेचारा सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जितना रियल इस्टेट है, जितना आपका नगर निगम शहर क्षेत्र है, सब लोग रियल इस्टेट का बिल्डर के साथ बैठक करो और उसको फॉर्म दे दो। बोला अपना तुम्हारा काम कर रहे हैं, अपना मुंशियों से जो रहता है बोले फॉर्म भरा देगा सब लेवर में। आप रियल इस्टेट बिल्डर हो, मैं आप क्या कर रहा, 100 काम मजदूर, आपको 150 फार्म दे दिया, 100 फार्म भैया एक हफ्ता में रजिस्ट्री करके सबको भरा के फार्म ले आओ। दुर्घटना हो गया, अब उसी में धरना पैसा मिल जाएगा, उसको कंपलसरी हो जाएगा, धरना पड़ जाएगा।